हेलो दोस्तों, मेरे हैप्पी गार्डन में स्वागत है आप सबका। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, त्यौहार होली का त्यौहार देखिए निकट आ रहा है। घर में सब काम काज वैसे भी लगे हुए हैं, लेकिन सब काम काज सब कामों के साथ साथ हमें अपना गार्डनिंग वर्क भी देखना है, अपने अपने गार्डन को भी तैयार करना है, क्योंकि ये मौसम है ये सब प्लांट्स का, नई ग्रोथ का, इन लोग का सबका, इनका भी समय यही है, तो हमें ये भी देखते हुए काम करना है। चलिए ज़्यादा बात, वीडियो वो लंबा भी नहीं बनाएंगे, आप लोग का टाइम भी नहीं लेंगे हम। चलिए बात करते हैं आज कटिंग से। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो आप कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाएंगे, और एक कटिंग लगाएंगे एक प्लांट से आप कई प्लांट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये देखिए ये वर्निंग व्यू है, देखिए कितनी अच्छी है। अब इसको इसके आप चाहें प्लांट भी प्लांटर में लगा सकते हैं, या फिर इसकी हैंगिंग बास्केट भी बहुत प्यारी बनती है। तो इस तरह से देखिए, एक कटिंग छोटी से छोटी भी आप लगा देंगे तो बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाएगी, और किसी भी मौसम में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। मॉर्निंग से मैंने इसकी इतनी छोटी सी कटिंग, मेरे पास ये ऐसे पॉट में बहुत मेरा घना प्लांट था, धीमे धीमे करके वो मेरी थोड़े से केयरलेस के कारण वो मर गया। तो जब देखा आखिरी में एक ही डंडी बची है, तो मैंने इसी की ही केयर करी, तो वो भी नीचे से सड़ चुकी थी बरसात में, तो फिर मैंने इसकी कटिंग लगाई, तो ये इस तरह से ग्रोथ हो गई। आप कई प्लांट कटिंग से लगा सकते। पहला तो है ये बॉन्डिंग सीव, तो इसकी बस ये ऐसे हल्की सी आप तोड़ेंगे और ये नीचे से ये दो पत्तियाँ ये हटा देंगे। ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये जो यहाँ से नोड एरिया है, यहीं से रूट्स डेवलप होती है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो है नोड एरिया, ये मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। तो मैंने जो है एक ही पॉट में पॉटिंग सॉइल तैयार कर लिए, और पानी मैंने कल दे दिया, थोड़ा मिट्टी में नमी भी बनी हुई है, तो हम इसमें आपको लगा के दिखाते हैं। ये देखिए, ये पत्ती मैंने ये हटा दी नीचे की, और ये ऐसे बस हल्का सा होल किया, और ये इतनी सी ये ऐसे दबा दिया। ये देखिए, इस तरह से आप इसमें से, जैसे ऐसा प्लांट है तो आप ऐसे भी कटिंग लगा सकती हैं, या कहीं से इतनी सी भी का कटिंग मिल जाती है तो आप ऐसे लगा सकते हैं। तो इससे आप कई प्लांट भी तैयार कर सकते हैं, और हैंगिंग बास्केट प्लांट है ये, वैसे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और दूसरा है ये देखिए पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट की भी कटिंग बस यूँ तोड़ना है, और इसकी भी ये पत्ती नीचे से ये हटा देंगे, बस इसमें तो ये नोड एरिया है। ये देखिए, इसकी भी कटिंग आप बस ऐसे हल्का सा होल करेंगे और इसको भी ऐसे लगा देंगे, तो इससे भी ये भी प्लांट आपका बन के तैयार हो जाएगा। और तीसरा है ये जो है एरोहेड सिंगोनियम प्लांट, तो सिंगोनियम प्लांट की भी आप ये कटिंग जो आप ये देख रहे हैं, ये जो रूट्स निकली हुई हैं, इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। इसकी भी आपने जो ये नोड एरिया है, रूट्स निकली हैं, तो यहाँ से नहीं, आपको मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से नहीं काटना है आपको, आपको ये रूट जो निकली हुई है तो यहाँ से तोड़ना है। ये देखिए, ये जो रूट्स हैं नोड एरिया आपको दिख रहे हैं, बस यानी कि आपने यहाँ से तोड़ लिया तो प्लांट लग जाएगा, ये जड़ दिखनी चाहिए इसकी। और इसकी भी हम ये ऐसे होल करेंगे और इतनी ये जड़ मिट्टी में दबा देंगे, ये देखिए ये ऐसे प्लांट में तैयार हो जाएगा। मैंने जो है ये एक पॉट में मिट्टी लगा दी, इसी में मैं सब आपको कटिंग लगा के दिखा दे रही हूँ। आप जैसे अलग अलग पॉट, आप छोटे डब्बे हों, वेस्ट कंटेनर हों या पॉट हो, तो आप उसमें अलग अलग प्लांट, ऐसे आप एक प्लांट, ये एक प्लांटर तैयार कर लिया, इसका अलग प्लांटर तैयार कर लिया, इसका अलग, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ऐसे कटिंग आप लगा लीजिए। और ये देखिए सिंगोनियम प्लांट की मेरी ये देखिए वैरायटी है, इसकी भी कटिंग ये नीचे से देखिए, एक प्लांट से देखिए ये रूट से दूसरा प्लांट ये डेवलप हो गया है, तो इसको मैं नहीं निकालूँगी। ये है बोट लिली का प्लांट, ये देखिए कितना अच्छा पॉट मेरा
देखिए प्लांट्स लग रहा है कितना, ये गुलदस्ता की तरह। ये छोटी से छोटी भी कटिंग आप इसकी भी लग जाएगी, और इसका आप छोटे पॉट में भी आप लगाएंगे तो लग जाएगा। तो हम अब यहाँ से इसकी ये तोड़ लेंगे। ये देखिए इसकी भी, ये बोट लिली इसको कहा जाता है, प्लांट का नाम है। देखिए नीचे की पत्ती जो है पर्पल है, ऊपर की ग्रीन है। ऐसे आप देखेंगे ऊपर की ग्रीन है और नीचे साइड देखिए पर्पल है। तो इसमें भी देखिए रूट जो डेवलप होंगी, तो ये बस ये नोड एरिया है। इसको आप ऐसे, इसको भी आप बहुत ही इजी तरीके से बस इसको लगा देंगे। तो ये हो गया, ये सिंगोनियम का हो गया, ये पर्पल हार्ट हो गया, ये वांडरिंग ज़ू हो गई, और ये हो गया बोट लिली। ये जेड प्लांट कहते हैं, ये वास्तु का भी होता है, मनी प्लांट भी है। ये कहते हैं इसको घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से कहते हैं धन की भी वृद्धि होती है, और सुख समृद्धि का भी ये प्लांट है। इसकी भी आप छोटी से छोटी कटिंग, चाहे पतली कटिंग हो चाहे मोटी कटिंग हो, इसकी भी आप लगा लेंगे तो ये भी आसानी से ग्रो हो जाता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये कटिंग है तो ऐसे। एक मिनट मैं सीज़र ले आऊँ। ये देखिए इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। नीचे की पत्तियाँ हटा देंगे, ये इस तरह से, बस इसको भी ऐसे ही आप मिट्टी में दबा दीजिए, ये लग जाएंगे। ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट की भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, बस इसकी भी आप कटिंग थोड़ी सी ले लीजिए इस तरह से। मनी प्लांट की, मनी प्लांट की भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, बस इसकी जो रूट एरिया है, यही मैं कहूँगी बार बार, ये जो रूट्स है, नोड पॉइंट है, जो नोड एरिया, इतना ये ज़मीन के मिट्टी के अंदर इसको जाना चाहिए। तो यहाँ से ये मनी प्लांट भी तैयार हो जाएगा। और ये जो है लीफ, लीफ में भी देखिए हल्का सा ये नोड एरिया दिख रहा होगा आपको, ये भी आप लगा देंगे तो इसमें भी रूट्स डेवलप हो जाएंगे। और ये है ट्रायंगल हार्ट। ट्रायंगल हार्ट भी एक बास्केट प्लांट है, हैंगिंग बास्केट प्लांट। आप चाहे पॉट में लगाइए चाहे हैंगिंग बास्केट में लगा के आप हैंग कर सकते हैं। तो इसकी भी आप ये छोटी से छोटी कटिंग लेके, ये ऐसे की भी, ये आप चाहे तो आप ऐसे रख सकते हैं, दबा सकते हैं मिट्टी में, नहीं तो आप इसकी बस ये जो है नीचे की देख रहे हैं ये नोड एरिया, ये एक दो ये, तो इसको भी आप ऐसे मिट्टी में खाली सिर्फ ये दबा देंगे और हल्की सी मिट्टी ऐसे कर देंगे और पानी का छिड़काव करके नमी बनी रहे तो ये प्लांट्स ग्रोथ पकड़ लेता है। इसकी भी कटिंग आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और ये है बुलेवियन ज्यू की। बुलेवियन ज्यू की भी आप कटिंग हो चाहे ये, इसकी भी कटिंग आप आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें रूट्स रहती हैं, आप जहाँ भी तोड़ेंगे वहाँ इसकी रूट्स दिखाई देंगी। इसको भी देखिए मैंने आपको इसका मैंने वीडियो डाल रखी है, वो आप देख लीजिएगा। देखिए इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, यूँ ऐसे करा आपने बस। ये भी हैंगिंग बास्केट प्लांट है, ये भी पूरा पॉट भर देता है। तो फ़िलहाल इतना ही है मेरे पास, जो प्लांट्स जो कटिंग से ग्रो हो जाते हैं तो वो मैंने आपसे शेयर किया दोस्तों। ये है, एक बार मैं फिर नाम बता देती हूँ, ये वांडरिंग ज्यू है, ये पर्पल हार्ट है, बोट लिली, ये है पर्पल हार्ट, ये सिंगोनियम की वैरायटी है, ये मनी प्लांट, और ये है ट्रायंगल हार्ट जो हैंगिंग बास्केट प्लांट भी कहा जाता है, ये बुलेवियन ज्यू, ये जेड प्लांट।
ओके दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, एक बात तो मैं बताना भूल गई आप लोग को, इसमें जो है पानी, इसकी केयर के बारे में, ये बहुत ही कम पानी में चलने वाला प्लांट है। बस ऐसा बस पानी का छिड़काव करिए कि पानी मिट्टी में जो है नमी बनी रहे, ऐसे जब सॉइल आपको लगे ऊपर की ये सूख रही है तो हल्का सा छिड़काव अभी फ़िलहाल करेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा पानी दे देंगे तो इसकी जो है जो जड़ें हैं ये सब जो स्टेम है वो गलने लगेंगी, इसलिए आपको हल्का सा छिड़काव करना है, पानी में नमी बनी रहे जिससे इसकी रूट्स डेवलप हो सके। और ये बहुत ही कम पानी में चलने वाला, कम देखभाल में चलने वाला और कम धूप में भी चलने वाला प्लांट्स हैं ये सारे जितने भी आपको मैंने बताए हैं। और ये शेड एरिए में भी चलता है, अगर सुबह के 4-5 घंटे की धूप लगती तो कोई दिक्कत नहीं, ये शेड प्लांट्स भी हैं, शेड एरिए में रख दीजिए जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप आती हो, या साइड में कहीं। और हैंगिंग बास्केट प्लांट है, इंडोर प्लांट्स भी हैं, ये इंडोर में भी आप रख सकते हैं, आउटडोर में भी रख सकते हैं जहाँ 5-6 घंटे की धूप आती हो। पानी भी ये बहुत कम, आप 4-5 दिन में भी पानी देंगे तो ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। और एक प्लांट से आप कई प्लांट्स बना भी सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये आप अपने गिफ्ट में भी अपने प्लांट्स आप दे सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, एंजॉय इन गार्डनिंग।